नमस्कार, मैं प्रज्ञा धादत, इस खबर में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। निर्माणाधीन समानांतर पुल के अप्रोच रोड के समीप विक्रमशिला सेतु म्यूजियम नाम से एक विशाल भवन बनेगा। यह 2100 वर्ग मीटर के बड़े भूभाग में बनाया जाएगा। इसको लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जिला प्रशासन से जमीन की मांग की है। मोर्थको का बिहार में यह पहला मेगा प्रोजेक्ट होगा जहाँ म्यूजियम का निर्माण कराया जाएगा। म्यूजियम में प्रशासनिक कार्यालय के अलावा विशाल पार्किंग और अन्य सुविधा भी मिलेगी। यहाँ यात्री अल्प विश्राम भी कर सकेंगे और कैफेटेरिया से नाश्ता भोजन आदि कर सकेंगे। धर्मनगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले भव्य राम मंदिर उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए हिंदू धर्म के सरकारी कर्मचारियों को मॉरिशस सरकार ने 2 घंटे का विशेष अवकाश देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह पहला अवसर है जब किसी विदेशी सरकार ने अयोध्या में होने वाले किसी धार्मिक आयोजन के लिए अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश प्रदान किया है। लोक गायिका पद्मभूषण शारदा सिन्हा सहित 15 अन्य रीडरों की सेवा को अवैध करार देने और पेंशन एवं अन्य बकाये राशि के भुगतान नहीं देने के सरकारी आदेश को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। न्यायाधीश हरीश कुमार की एकलपीठ ने शारदा सिन्हा एवं डॉक्टर उदय चंद्र मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए गत वर्ष पारित सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया। अधिवक्ता शशिभूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त याचिकाकर्ताओं को रीडर के पद पर प्रोन्नति दी गई थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रधर्म पत्रिका के आगामी विशेष संस्करण में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि नियति ने तय किया था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा और उसने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। अपने लेख राम मंदिर निर्माण एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति में आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 33 साल पहले निकाली गई रथ यात्रा का जिक्र किया और कहा कि उनका मानना है कि अयोध्या आंदोलन उनकी राजनीतिक यात्रा में सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना थी जिससे उन्हें भारत को फिर से खोजने और इस प्रक्रिया में खुद को फिर से समझने का मौका दिया। दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 397 प्रकाश पर्व पर देश विदेश से आने वाले संगत की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। इस बाबत गुरुवार को आईजी गरिमा मलिक ने गुरुघर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व को लेकर विभिन्न स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है और गड़बड़ करने वालों को पकड़ा जाएगा। गरिमा मलिक ने तख्त साहिब परिसर व आसपास के इलाकों का भी मुआयना किया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने शुक्रवार को 7,000 करोड़ रुपए के संयुक्त उद्यम मूल्य पर कैपिटल फूड्स के अधिग्रहण की घोषणा की है। नवीनतम खरीद टाटा समूह की कंपनी को तेजी से बढ़ते और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में मजबूती प्रदान करेगी। टाटा समूह की शाखा TCPL 5,100 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्यांकन पर कैपिटल फूड्स के 100% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करेगी जिसके पास चिंग्स सीक्रेट और स्मिथ एंड जोनस जैसे ब्रांड हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने पटना में आयोजित ई वाहन एक्सपो का परिभ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाई गई ई वाहनों की प्रदर्शनी को देखा और उनकी कार्य पद्धति, विशेषताओं तथा चार्जिंग आदि के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि ई वाहन प्रदूषण नियंत्रण एक पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से उपयोगी है, इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों और घायलों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। देश भर में हिट एंड रन की बहुत अधिक दुर्घटनाएं दर्ज होने और बहुत कम संख्या में पीड़ितों को मुआवजा मिलने के आंकड़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दुर्घटना के जिन मामलों में टक्कर मारकर भागने वाले वाहन का पता नहीं चलता तो पुलिस दुर्घटना के मारे गए व्यक्ति के परिजनों को या दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुआवजा योजना के बारे में बताएगी और मुआवजा दावा कर सकने की जानकारी देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के विदेश मित्रों के साथ मुलाकात में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2024 में अधिक सीटें हासिल करेगी। रक्षा मंत्री ने बुधवार को लंदन के ताज होटल में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके के साथ एक विशेष बैठक की। रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि मोदी सरकार पिछले चुनाव की तुलना में अधिक सीटें हासिल करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी सीमाएं और राज्य रक्षा बलों की स्थिरता की वजह से सुरक्षित है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को कहा कि महात्मा गांधी एक महान रणनीतिकार थे जिन्होंने अपने से कहीं अधिक मजबूत प्रतिद्वंदी को हराने के लिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की किताब गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स के लॉन्च के मौके पर कहा, अगर आप में अपने विरोधी को उस तरह से प्रभावित करने की क्षमता है जिस तरह से आप चाहते हैं तो वह प्रभावित हो तो यह असली पावर है। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की मच अवेटेड फिल्म मेरी क्रिसमस का आखिरकार 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल बॉक्स ऑफिस पर मेरी क्रिसमस की शुरुआत काफी हल्की रही। मेरी क्रिसमस ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कितना कलेक्शन किया, संकल्पिक रिपोर्ट के मुताबिक मेरी क्रिसमस ने अपने ओपनिंग डे पर महज 2.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। बंगाल की खाड़ी में लापता हुए भारतीय वायुसेना के एक मालवाहक विमान की 8 साल तक लंबी तलाश के बाद उसका मलबा समुद्र में मिला है। यह मलबा चेन्नई तट से करीब 310 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया है। यह विमान 22 जुलाई 2016 को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाते वक्त बंगाल की खाड़ी में गायब हो गया था। इसमें 29 सैन्यकर्मी सवार थे। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि वायुसेना के मालवाहक विमान एंटोनोव AN-32 का मलबा मिल गया है।
अंतरिक्ष में पहली बार MBBS के लिए 1,00,000 से छात्रों का प्रवेश हुआ है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने 700 से अधिक मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले कुल 1,04,891 छात्रों की सूची तैयार की है। साथ ही NMC ने इन सभी छात्रों के आवेदन की समीक्षा भी शुरू कर दी है। आयोग का कहना है कि अगर किसी छात्र ने काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया है और उनका नाम सूची में है तो उसे तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। बोइंग का आलिशान विमान 777-9 जेट पहली बार विंग्स इंडिया में शामिल होने भारत आ रहा है। 18 से 19 जनवरी को हैदराबाद में होने जा रहे विंग्स इंडिया में शामिल होने के लिए जेट 16 जनवरी को भारत पहुंचेगा। एयर इंडिया ने पिछले वर्ष बोइंग को ऐसे 10 जेटों का ऑर्डर दिया था। भारत में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखकर एयर इंडिया ने इन बड़े विमानों की खरीद का सौदा किया है। बोइंग के यह नवीनतम पीढ़ी के व्यावसायिक विमान है। अमेजन के स्वामित्व वाली ऑनलाइन ऑडियो बुक व पॉडकास्ट सेवा ऑडिबल अपने लगभग 5% कर्मचारियों की छटनी कर रही है। यह इस हफ्ता के ई कॉमर्स दिग्गज के व्यवसायियों की नौकरी में कटौती का तीसरा दौर है। कर्मचारियों को भेजे गए नोटिस में ऑडिबल के CEO बॉब कैडिगन ने कहा कि कंपनी अच्छी स्थिति में है लेकिन चुनौतीपूर्ण हालात में है। छटनी की संख्या नहीं बताई गई। कैडिगन ने कहा, श्रेणी में सर्वोत्तम ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्रदान करना जारी रखने के लिए हमें अपने भविष्य में अधिक सरल व कुशल बनना होगा। संसद का संक्षिप्त बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। यह सत्रहवीं लोकसभा का आखिरी बजट होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, अंतरिम बजट सत्र 2024 यानी सत्रहवीं लोकसभा का आखिरी सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें संसद में माननीय राष्ट्रपति का संबोधन होगा। 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अतिथियों को देशी व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा। अयोध्या की गरिमा के अनुरूप पूरी तरह से शुद्ध सात्विक भोजन ही परोसा जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है। अलग अलग राज्यों की पहचान रखने वाले व्यंजन भी मिलेंगे, मसलन लिट्टी चोखा, राजस्थान दाल बाटी, चूरमा, पंजाबी तड़का, दक्षिण भारतीय मसाला डोसा और इडली, बंगाली रसगुल्ले, जलेबी जैसे कई खास व्यंजन और मिठाइयों को मेन्यू में शामिल किया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर शुक्रवार को पटना साहिब पहुंचे। उन्होंने यहां दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थान श्री पटना साहिब में मत्था टेका और उत्तराखंड प्रदेश एवं देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और प्रगति की कामना की। पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि गुरु जी की पावन धरती में आने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय स्पिनर यजुवेंद्र चहल डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के सेट पर नजर आए। यहां वह अपनी पत्नी धनश्री वर्मा को सपोर्ट करने पहुंचे। धनश्री भी इस बार शो में हिस्सा ले रही हैं। उन्हें इस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। धनश्री बहुत अच्छा डांस करती है। वह एक कोरियोग्राफर है। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियो पोस्ट करती रहती है। यही कारण है कि झलक दिखला जा डांस रियलिटी शो में उन्हें बुलावाया है। पैन कार्ड हमारे लिए एक अहम डॉक्यूमेंट है। ऐसे में अगर आपके पैन कार्ड की कोई भी जानकारी सही नहीं हुई तो आपको समस्या हो सकती है। हालांकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ऐप की मदद से आप इसे आसानी से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पैन कार्ड की किसी जानकारी में कोई समस्या है तो आप आसानी से उमंग ऐप की मदद से इसे ठीक कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। आपको बस इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। प्रशासनिक चिंतक डानहम ने कहा कि अगर हमारी सभ्यता नष्ट होती है तो ऐसा प्रशासन के कारण होगा। लोक प्रशासन एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी उपस्थिति में समानता और स्वतंत्रता को कायम रखना आसान होता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण समाज में संसाधनों और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण ही सभी की समृद्धि का मूल मंत्र है। सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम में इसी दृष्टि से 10 साल पहले बदलाव किए गए थे। अगर आप OnePlus 12 को खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। भारत में OnePlus 12 का 12/256 GB वेरिएंट 69,999 रुपये में लॉन्च हो सकता है। ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन ने गलती से फोन की कीमत लॉन्च से पहले ही लीक कर दी है। OnePlus 12 को कंपनी एक और स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च कर सकती है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 48 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 64 MP का टेलीफोटो कैमरा होगा। मोबाइल फोन स्ट्रैंड ड्रैगन के 8 Gen और 3 SoC के साथ आएगा। विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबले के टीम इंडिया में जगह नहीं दी गई है। भारतीय टेस्ट टीम से बाहर होने के बाद ईशान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ईशान ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि वह मेडिटेशन से अपने दिन की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही वह मैदान पर दौड़ते हुए और हर्डल रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रेनिंग वीडियो में ईशान जमकर अभ्यास कर रहे हैं। देश भर में इस समय राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों की भावनाएं हिलोड़ मार रही है। लोग 22 जनवरी के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होनी है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन PM मोदी यजमान की भूमिका में होंगे। इसके लिए उन्होंने विधिवत तैयारी शुरू कर दी है। वह 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान पर है। इस बीच उन्होंने भगवान राम के एक बार फिर अयोध्या लौटने और राम मंदिर की तैयारियों पर एक सुंदर भजन एक्स पर पोस्ट किया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के मेयर पद के लिए निर्वाचित मेयर सादिक खान को चुनौती देने वालों में भारतीय मूल के 2 प्रत्याशी भी शामिल हो गए हैं। बता दें कि पाकिस्तानी मूल के सादिक खान मई 2016 से ही लंदन के मेयर हैं। 2016 के बाद 2021 में हुए चुनावों में भी खान ने जीत दर्ज की थी। अब 2 मई को होने वाले मेयर पद के चुनाव के लिए भारतीय मूल के 2 कारोबारी भी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में दौड़ में उतर गए हैं। 63 साल के बिजनेसमैन तरुण गुलाटी ने पिछले साल के अंत में भारत की यात्रा के दौरान अपना मेयर पद का चुनावी कैंपेन शुरू किया था। 62 साल के श्याम भाटिया भी मैदान में उतर गए हैं।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसके जश्न में देश के साथ साथ पूरी दुनिया शामिल हो रही है। इसे लेकर अमेरिका में तो राम भक्त अब तक कई कार और बाइक रैली निकाल चुके हैं। इसी बीच राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों को और जोर देते हुए विश्व हिंदू परिषद की अमेरिकी इकाई ने 10 राज्यों में बिलबोर्ड्स भी लगाए हैं। अमेरिका में VHP के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इन बिलबोर्ड्स से संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय अमेरिकी इस समारोह को लेकर बेहद खुश और उत्साहित हैं। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, टॉप 3 में जल्द शामिल हो सकता है। ऐसी अच्छी खबरों से इतर ये बात अपनी जगह बनी हुई है कि आज भी देश की बड़ी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है। इसी वजह से ऐसी बातें कही जाती है कि 140 करोड़ की आबादी में करीब 10% लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं। इस बीच बीते शुक्रवार को आई गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया है कि देश में संपन्न लोगों यानी रईसों की संख्या 2027 तक यानी अगले 4 सालों में 10 करोड़ के पार हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 माह से कम बर्फबारी और 3 माह से बारिश न होने से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसका असर हिमालय रेंज के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 9,500 छोटे बड़े ग्लेशियरों पर भी असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से पहले से ही सिकुड़ रहे ग्लेशियरों के लिए नवंबर से जनवरी तक होने वाली बर्फबारी संजीवनी होती है। ग्लेशियर पर शोध कर रहे विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौर की बर्फबारी ज्यादा टिकाऊ मानी जाती है। मौसम ने साथ न दिया तो नदी नालों का जलस्तर घटने से पेयजल स्रोत सूखने का संकट भी गहरा सकता है। मशहूर क्लासिक सिंगर प्रभा अत्रे का आज शनिवार यानी 13 जनवरी को निधन हो गया है। हार्ट अटैक की वजह से प्रभा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। सिंगर के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहरें, सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। कांग्रेस रविवार से राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से भारत जोड़ो नया यात्रा शुरू करेगी, जिसके जरिए उसका प्रयास होगा कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को विमर्श के केंद्र बिंदु में लाए जाए। यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के राजधानी इम्फाल के निकट थोबिल से शुरू होगी और मार्च के 3rd सप्ताह में मुंबई में इसका समापन होगा। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही यात्रा 67 दिन में 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो नया यात्रा के दौरान लगभग 6,700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, रंजय कुमार, दीपक कुमार, नौशद राजा, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।